रानी को इन आंसुओं में मत भिगा। मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मुझे माँ, संभाल अपने आप को। बेटी, दुल्हन आ गई आपकी। अपनी मर्जी से तू इस हवेली में आई थी चोरी, पर अपनी मर्जी से तू इस हवेली से नहीं जा सकती। तूने बहुत बड़ी गलती की है। अपनी सुहाग रात की सेज से भाग के आई है तू। थारे को सजा मिलेगी और वो थारे को अपनी मौत से चुकानी पड़ेगी।
नीचे बैठते, यहाँ बारिश में भीगना पड़ा तेरी वजह से। नीचे बैठते, खचाखच भरा हुआ था। रहने दे। Come on। भाया घना मजा आ रहा है। ठंडी ठंडी। तेरा गांव कितना दूर है? हाँ भाया। बस 5 मिनट। अरे भाया बारिश से चोट। पूरे 1.5 साल बाद घर वापस जा रही हूँ मैं, और वो भी बिना बताए। तो एक्साइटेड। कौन है बे? बावले अंधा हो गया के? अरे हावले, मैं अंधा नहीं हूँ, मेरी पोटली अंधी है। अरे रोक के रखो यारो, जूते उतार लेने दो। अरे आराम से। मेरा छाता। गया छाता। मेरा छाता। कोई बात नहीं, बारिश रुक गई। अंधे हो क्या तुम? तुम्हें नजर नहीं आता है? अबा बा 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 बा, ऐसा लग रहा बरगद के पेड़ पे दो गुलाब के फूला निकल के आ गए हैं। जरा देखने दो। ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? शर्म नहीं आती है? बदतमीज। अरे मैडम, चार मीनार की कसम, मेरे दीदा आपको घूर नहीं रही, बल्कि मेरे दीदा आपके दीदा को देख के दुआएं दे रहे हैं, कबूल करो। शट अप। अरे मान्या, तुम्हारे गांव का क्या अजीब सा नाम बोला था, मैं भूल गई। दानवगढ़। अरे आप दानवगढ़ जा रही? मैं भी दानवगढ़ जा रहा हूँ। तुमसे पूछा किसी ने? क्या गुस्सा है यारो इनका। अरे तुम दिखते तो राजस्थानी हो, पर भाषा कुछ और ही बोल रहे हो। दरअसल क्या है, मेरी अम्मा राजस्थान की थी, अब्बा हैदराबाद के थे, और मैं कॉकटेल पैदा हो गया। निधि, तू क्या ऐसे खिलखिला के हंस रही है? ऐसे ना अनजाने लोगों के सामने हंसना नहीं चाहिए और बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है? चुप रह। अरे यहाँ पे अनजाना कौन है यारो तुम्हें? अरे 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 दानवगढ़ आ गया। आइए, दानवगढ़ आ गया है। चल। अरे मान्या, यहाँ से तेरा गांव कितना दूर है? बस 5 मिनट। चल। कितनी बार तू 5 मिनट बोलेगी? बस सामने। चल। तू हमारा पीछा कर रहे हो? अरे मैं कहीं पीछा करूंगा मैडम? जिस रास्ते में आप जा रही वही रास्ता हमारा भी है। देखो ऐसा है, तुम जैसे ना बहुत देखे मैंने, हमारा पीछा करने की जरूरत नहीं है, समझे? चल निधि। मेरे जैसे ही लोग भूत देखे? ऐसा कैसा देख लिए भूत, मैं तो एक ही अनोखा हूँ। अरे मान्या, तेरा गांव इतना सुनसान क्यों है? तूने तो कहा था बड़ी रौनक रहती है यहाँ पर। यार मैंने भी पहले ऐसे कभी नहीं देखा, पहले तो बहुत रौनक होती थी। चल घर चलते हैं। ये मेरा घर है। कुकी? पापा पापा। मेरी बच्ची, कितना समय हो गया तुम्हें देखे हुए। बाबा, पापा। लेकिन क्या बेटी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। क्यों आई हो तुम? ए, क्या चल अंदर। मैंने मना किया था ना तुमको यहाँ आने से,
मना किया था ना, फिर क्यों आई हो तुम यहाँ? क्यों आई? क्या हो गया? इतने सालों बाद घर वापस आई, आप लोगों को तो खुश होना चाहिए ना। देखिए ना बाबा क्या बोल रहे हैं। माँ क्या हुआ है? देखिए बाबा क्या बोल रहे हैं। माँ 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 कुछ बोल क्यों नहीं रही है? तू तो क्यों आई है? जा जा तू जा यहाँ से जा। आप लोगों को क्या हो गया? दी दी गए, दी 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 दीदी को लेके गए। कौन लोग ले गए निको? बड़ी प्रॉब्लम में है। बहन ने कुर्बानी दी है बेटा, उसने तू मंजूर कर ले और घर वापस लौट जा। आप सरपंचों की ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? आप लोग किस जमाने में रह रहे हैं? वो राजा है तो क्या हुआ, आप लोग उसके गुलाम थोड़ी ना है। तुम्हें क्या लगता है कि हमने विरोध करने की कोशिश नहीं की? हमने अपनी बेटियों को बचाने के लिए कुछ नहीं किया? हमने बहुत कोशिश की बेटा, जब भी विरोध करने की कोशिश की उसने परिवार के परिवार खत्म करवा दिए। न जाने कितने घरों को जला के राख करवा दिया उस राक्षस ने। घरों को जला के राख कर दिया बेटा, उसने घरों को जला के राख कर दिया। तो क्या गांव की हर लड़की अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देती रहेगी? हम मजबूर हैं बेटा, हम बहुत मजबूर हैं, बहुत मजबूर हैं बेटा। आप मजबूर होंगे लेकिन मैं नहीं, मैं अपनी बहन को वापस लेके आऊंगी। Yeah.
दुल्हन की डोली लेके जा रहा है या जनाजा लेके जा रहा है? तारी हिम्मत कैसे भाई? आज तक इस डोली को रोकने की किसी की जरूरत नहीं भाई। लगता है तो खुद अपने जनाजे की तैयारी करके आया है। अरे इन्हें ना तो बेबी है ना बाबा है। क्या भाई डोलियां उठाने का बहुत शौक है? अब तेरी अर्थी उठाने हम आए। जैसी इच्छा। छोड़ सकता हूं, अक्रोड़ भी तोड़ सकता हूं, मेरा दिमाग अगर खिसक गया ना ए पोपाट, मां कसम एक एक की खोपड़ी फोड़ सकता हूं। आजा ये तो बच गई लेकिन हम सब मारे जाएंगे। साहब आपको ये नहीं करना चाहिए था, इन सबको नहीं मारना चाहिए था, अब हम सब लोग मारे जाएंगे। साहब क्यों मारे जाओगे आप सब लोग? आपके गांव के बेटियों के साथ जो भी कुछ हो रहा है ये सब कुछ देखकर आप लोगों का खून खौल नहीं उठता? अरे मैदान में उतरो, दो दो हाथ करना सीखो पहले। साहब ऐसा नहीं, हमने कोशिश नहीं की। वो राक्षस इतना बलवान है कि उसके सामने कोई सर नहीं उठा सकता। हाँ तो हमें बताइए ना, कौन है वो, क्या है? निशाचर है। पर ये निशाचर आया कहाँ से? साहब वो युवराज है, हमारे राजे की गलती का एक नतीजा। कौन सी गलती?